मथुरा के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित पोषण पखवाड़ा में महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने पौष्टिक आहार की स्टॉल का निरीक्षण किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा मथुरा के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित पोषण पखवाड़ा में उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पौष्टिक आहार की स्टॉल का निरीक्षण किया। इसी के साथ उन्होंने पौष्टिक आहार के तहत बच्चों को खीर खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। यहां उन्होंने गर्भवती महिलाओं की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ गोद भराई की रस्म भी अदा की। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य पत्रकारों से रूबरू हुई और पोषण पखवाड़ा के तहत मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। नहीं, आज मैं मथुरा दौरे पे हूँ और अपनी सरकार की जो महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, जो बच्चों के लिए योजनाएं, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो अभी प्रदर्शन किया, जो दिखाया कि जो हम पुष्टाहार बांट रहे हैं उससे क्या क्या और बच्चों को मतलब अनेक वैरायटी की चीज़ें दे सकती हैं, उसकी प्रदर्शनी आप लोगों ने भी अभी देखी और मैंने भी खा के देखा, बच्चे खा सकते हैं उसे। तो हमारी जो बच्चों के सर्वांगीण विकास कैसे हो, महिला का आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कैसे विकास हो, ऐसी योजनाओं के लेके महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार कार्य कर रहा है, उसी की अभी हम मीटिंग करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। दूसरा हमारा पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग भी था, उसमें भी मैं गई हूँ। देखिए, कुपोषण को लेके सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि जो कुपोषित बच्चा है हमारा, उसे पोषित करने के लिए सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी सक्षम लोग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे अन्य लोग हों, एक कुपोषित बच्चे को गोद जरूर लेना चाहिए जिससे हम उसका पोषण कर सकें। मैं स्वयं जब उत्तराखंड की गवर्नर थी तो मैंने 11 बच्चे गोद लिए थे जो कुपोषित थे, उनका पोषण बहुत अच्छे हो रहा था। तो हमारी तो यही अपील है कि हम तो जो कुपोषण के विरुद्ध बच्चों के लिए कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि, जन सहभागिता, जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए और एक बच्चे को गोद लेके उसका भविष्य संवारना।